हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। भावना किचन में फिर से आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे जलेबी। बहुत ही आसान तरीका है। इसके लिए हमने 4 चम्मच मैदा का काम मिलेंगे और 1 प्लेट शुगर काम मिलेंगे, 1 चम्मच दही का काम मिलेंगे, 1 चम्मच चावल का आटा काम मिलेंगे, थोड़ा फूड कलर काम मिलेंगे। इस जलेबी को बनाने में मैक्सिमम 20 मिनट लगेगी और 4 चम्मच मैदा काम में लेंगे। और मस्त जलेबी बनाएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए मजेदार रेसिपी शुरू करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंस्टेंट जलेबी बनाने के लिए 1/2 चम्मच चावल का आटा डालेंगे, 2 छोटी चम्मच कर्ड यानी दही डालेंगे, 1 फूड कलर डालेंगे। अगर आपके पास फूड कलर नहीं है तो हल्दी चुटकी भर भी डाल सकते हैं। और बेटर को बना देंगे। अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालेंगे। एक साथ पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा मिक्स करते रहे। और मैदा को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें बहुत ही आसान तरीके से इसको जो बैटर है वो तैयार करेंगे। इसमें किसी प्रकार का लम्स न रहे। इसके बाद इसको अच्छे से मिला देंगे। इस प्रकार से लगातार चलाते रहे जिससे कि हमारा मैदा है वो बिल्कुल ही गाढ़ा हो जाएगा। मिक्सर को लगातार चलाते रहे जिससे कि किसी प्रकार का लम्स नहीं रहे। हमारा बैटर बिल्कुल ही अच्छा बनकर तैयार होगा। ये देखिए, मैदा और पानी को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसको 4-5 घंटे के लिए कवर करके रख देंगे जिससे ये अच्छी तरह से हमारा बैटर बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाएगा। एक तरफ हम गैस को ऑन करके चाशनी तैयार कर लेंगे। अब इसमें 1 प्लेट चीनी की और 1/2 कप पानी डाल दिया है। अब इसको अच्छे से बेट करेंगे। गैस को मीडियम फ्लेम पर कर दिया है और कढ़ाई में चीनी डाल दी है और इसमें हम पानी डालकर अच्छी तरह से मिलाते रहेंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे जिससे कि चीनी अच्छी तरह से मिल जाए। जैसे चीनी में उबाल आ जाए गैस को फ्लेम लो कर देंगे। अब दूसरी तरफ हम तेल को अच्छे से गर्म करेंगे। ये देखिए, बैटर को हमने अच्छी तरह से फेंट करके रखा था, ये बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम एक पॉलीथीन के अंदर डालेंगे, जिसको कप के अंदर पॉलीथीन डालेंगे, फिर उसके अंदर हम ये बैटर है वो डालेंगे। जो बैटर है वो इसके अंदर डालेंगे। अगर आपके पास सॉस की बोतल है कोई तो वो उसमें आप डाल के बना सकते हो। ये देखिए, हमारी चाशनी 5-7 मिनट में अच्छी तरह से पककर तैयार हो गई है। अब इसमें हम नींबू डालेंगे जिससे कि नींबू का रस है, इससे जलेबी का स्वाद ही बहुत ही टेस्टी अच्छा आएगा। चाशनी को 10 मिनट तक पकाएंगे।
अब इसमें नींबू का रस डालेंगे। ये देखिए जलेबी बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, और इसको लगातार राउंड से चलाते रहिए और बहुत ही अच्छी सॉफ्ट क्रिस्पी जलेबी बनकर तैयार हो रही है। ऐसे करके एक एक बैच को हम निकाल लेंगे। इस प्रकार से हमारी बहुत ही क्रिस्पी जलेबी बनकर तैयार हो रही है और बहुत ही अच्छी सॉफ्ट जलेबी बनकर तैयार हो रही है। इस प्रकार आप ज़रूर ट्राई कीजिए जलेबी बनाने की, बहुत ही आसान सरल विधि है। अब इसको हम एक एक बैच करके ऐसे निकालते रहेंगे। अब जलेबियों को हम फ्राई करके तेल में से निकाल लिया है। अब हम इसको चाशनी में डालेंगे। जलेबी को चाशनी में 5 मिनट रखना है। अगर आपको जलेबी मोटी चाहिए तो बैटर को आप गाढ़ा कर सकते हैं। मुझे पतली जलेबी पसंद है, इसलिए हमने बैटर को पतला ही किया है। ये देखिए बहुत ही अच्छी क्रिस्पी जलेबी बनकर तैयार हुई है। और वीडियो को अगर आपने पहली बार देखा तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल घंटी को अच्छे दबाए ताकि समय समय पर आपको इसकी जानकारी मिलती रहे। लाइक शेयर जरूर करें। इसको आप खीर के साथ भी खा सकते हैं। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अच्छा, मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब के लिए धन्यवाद। बाय, थैंक्स।